एमेली मूवी के फैक्टोर रिव्यूज एमेली जिसे पोलिन के नाम से भी जाना जाता है एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलैन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक, एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लॉरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड क्लोडिमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगोइन है योलान्डे मोरो है, आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा गिलाउड लॉरेंस कहानी ग्लाउज लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टेयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजूशी यु, है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम इंडिपेंडेंट है जो डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का एनर्जी सोफी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक तो मिलियन डॉलर का और इसने एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक की कमाई की अमिली को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोप फिल्म द्वारा नाटक रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमोटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथनक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वे एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता राफेस राफेल समाज समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली मेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टॉप के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की से अपना हाथ डुबाकर कर चम्पचे बेकरीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती इकतीस अगस्त उन्नीस सौ को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंककर कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल कोट हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकांत प्रिय पड़ोसी दुफा, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर रे की उन्नीस सौ इक्यासी की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और ब्रेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एमिली खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एमिली गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राजी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटों के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र बेचता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोली कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन लु, को गाली दे, नहीं देता और खुशी से लैबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया फाइल्स एमेली को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेना पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है और दो मो लेंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमेली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंग... दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एम खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एम पोलेन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोज निनो क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे डसोर लियर ने किरदार निभाया रूफस के रूप में एमिली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मार्लिन ने रेमंड दु, दुफाइल द ग्लास मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलिन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेट्रस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार दिया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी ने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लूशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनीचोने के किरदार निभाया मिस्टर के के दाने बाया, कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और के रूप में क्लोर्ड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमेन एयर होस्टेज के रूप में आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वाटसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनु उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टर रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डस्टिन डी मेली पोलैन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक शन की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाँ में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमिल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडीटेड्स क्लोडिडेमोलेट है टी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पे गुलाइन है योला, मोरो हैं है आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउट लॉरेंस कहानी ग्लाउज लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पाद किया चीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी यु। है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एमएमसी एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो से डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी सोफीनरजी फाइव फिल्मिंग स्टॉन्ग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वारले द्वारा जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक दस मिलियन डॉलर का और इसने वो एक मिलियन तक की कमाई की है अमेली को जूसी के साथ यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में और जर्मनी में 16 अगस्त 2001 को प्रो फे प्रोकिनो फिल्म प्रो, प्रो द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो बेटे से अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पाँच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा लाया गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरी ड्रेम ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा गद्दीन उसके पिता राफेस राफेल समाज समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिसंस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोग के संग्रह द्वारा स्टोक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों के अपना हाथ डुबा कर चम्पचे बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर अमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एम अपने एकां, एकांत प्रिय पड़ोसी दुफ, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की 1981 की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और बेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एम खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एम गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आस पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक द, अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू रु करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र भेजता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंग कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे नहीं देता और खुशी से लेबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दयादाइल्स एम एल को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने से से के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है और दो मोलिंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमएलई घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एम की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमिली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंतदृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमिली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे अब अव... उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलिन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू विच नीनो के क्विंटन कपोइक्स के रूप में किरदार निभाया द नरेटर के रूप में आंद्रे डसोलियर ने किरदार निभाया निभायाुफस के रूप में एमेली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मालिन ने रेमंडल दु, दु, द ग्लासमैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलेन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेटरस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी पैगवेने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लुशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनिचो ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिशेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और युवा के रूप में क्लोड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल चौध फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी ची, में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली व सन के लिए एम की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे मौ, में एम के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनु उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टो रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डेस्टिन डी मेली पोलिन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड मोलेट है इसाबेल बेल टेंटी और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगोइन है योला योलंडे मोरो है आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनीचूर दोस्तों अब इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउड लोरेंस कहानी गिलाउज लोरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पाद किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायंकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित हार्वेसराइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजशी है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म्स द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो डी मेजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का एनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वेह द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक मिलियन डॉलर का और उसने एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक की कमाई की अमिली को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोफल फिल्म द्वारा के रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली मिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सही चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथनक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाड़ाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले, लेते थे अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोग के संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर चम्पच से बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती है इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल कोट हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकां, एकांत प्रिय पड़ोसी दुफ, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हड्डी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की उन्नीस सौ इक्यासी की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और बेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एमिली खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एमिली गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुरा दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राजी करती है और एक प्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता पत्र बेचता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंगन कोली अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे, नहीं देता और खुशी से लैब्रेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया फाइल्स एमेली को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेना पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है और दो मो लिंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एम घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एम की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एम को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अग... अंत दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमेली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलेन के रूप में ऑड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोवितनो के क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे लियर ने किरदार निभाया रूफस के, के रूप में एमिली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मार्लिन ने रेमंड दु, दुफाइल द ग्लास मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलिन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेट्रस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मेयर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी ने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लूशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनीचो ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और के रूप में क्लोड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में चीन जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वाटसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनु उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टो रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डेस्टिन डी मेली पोलिन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लॉरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक शन की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओडरे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाओ में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड क्लोडीडेमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पे हैं योला योलान्डे मोरो है आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा गिलाउट लॉरेंस कहानी ग्लाउड लॉरेंस जीन प्यारे जिनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित हार्वेसराइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी यु। है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एमएमसी एम सी इंडिपेंडेंट है जो से डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी एनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज़ किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज़ किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट दस मिलियन डॉलर का और फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हजार एक को प्रोकनो फिल्म द्वारा नाट्य रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमोटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पाँच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा लाया गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा। उसके पिता राफेल राफेल समाज समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिसेंस में वेटर्स बन जाती है और उनकी लोग संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर कर से बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती इकत्तीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर अमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एम अपने एका, एकांत प्रिय पड़ोसी दुफ, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की 1981 की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और ब्रेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एम खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एम गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक द, अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र भेजता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंग कोलिंगन अब अपने नम्र लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लूसियन लु, को गाली दे नहीं देता और खुशी से लेबरेज लूसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया दुफाइल्स एम को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मोल्स में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमिली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंतदृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमेली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे अब उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलिन पोलेन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया नी मैथ्यू नीनो के क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया द नरेटर के रूप में आंद्रे डसोलियर ने किरदार निभाया रूफस के रूप में एमेली के पिता राफेल पोलेन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मालिन ने रेमंडल द मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलेन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेटर्स के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के, के रूप में किरदार निभाया, लेख लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी पैगवे पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लुशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनिचो ने किरदार निभाया, मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया रोइवा के रूप में क्लोर्ड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मोह मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुबंध उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टो तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टोर रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुलेक्स डेस्टिनी डी मेली पोलन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक, एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म मैं में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में थ्यू है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस रुफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडीने क्लोडिमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगुवाइन है योलंडे यो मोरो है आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनीच दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा गिलाउड लोरेंस कहानी गिलाउ लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवार्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो डी मेजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का एनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वारले द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक मिलियन डॉलर का और उसने वो एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक की कमाई की अमिली को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोपल फिल्म द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सही चार सर्वश्रेष्ठ पटकथा सहित दो पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता राफेल समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले, लेते थे अमेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर चम्पच से बेकरीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती है इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टॉपर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकां, एकांत प्रिय पड़ोसी रेमंड दुफ, येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की उन्नीस की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और बेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंज बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एमिली खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एमिली गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आस पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू रु करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिल का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र बेचता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन लु, को गाली दे, नहीं देता और खुशी से लैबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया मुदाइल्स एमेली को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एम नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मो लिंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमेली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंग... अंत दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमेली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलिन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोज नीनो के क्विंटन के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे डसोर लियर ने किरदार निभाया रूफस के, के रूप में एमिली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मार्लिन ने रेमंड दु दु दुफाइल द ग्लास मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्राविटा अमेंडाइन पोलिन के, के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेट्रस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मेयर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटी ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार लेख लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी ने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लूशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनीचोने ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और के रूप में क्लोड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी टिप्पणी में चीन में चीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वाटसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनु उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टू रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डेस्टिन डी मेली पोलिन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक, एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक शन की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओडरे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाओं में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है, रुफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमिल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड क्लोडिडेमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी है और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पे गुआइन है योला, मोरो हैं है आर्बेन है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा गिलाउट लॉरेंस कहानी गिलाउज लॉरेंस जीन प्यारे जिनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित हार्वेसराइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी यु। है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एमएमसी एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो से डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी सोफिनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टॉन्ग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूटसन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक दस मिलियन डॉलर का और वो एक दो को, फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हजार एक को द्वारा नाटक रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ 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 फिल्म सर्षेट फिल्म और निर्देशक चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथनांक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा लाया गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वे एक आत्मघाती करना है। कनाडाई पर्यटक नोटरी ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर, कर उस पर गिर पड़ा गतिदनक उसके पिता राफेस राफेल समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिसंस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोग के संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और अब वह अववाहित है, है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर चम्पच से बेकरीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर अमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की, की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकांत प्रिय पड़ोसी दुफाल दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की 1981 की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और ब्रेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एम खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एम एल रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक द, अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुरा कर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक प्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेडरिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र भेजता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंग कोलिंगन अब अपने नम्र लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे नहीं देता और खुशी से लेबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दयादाइल्स एम एल को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मोल्स में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमिली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंतदृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमिली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे अब उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलेन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोज नीनो क्विंटन कपोइ्स के, के रूप में किरदार निभाया द नरेटर के रूप में आंद्रे डसोलियर ने किरदार निभाया निभायाुफस के रूप में एमेली के पिता राफेल पोलेन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मालिन ने रेमंडल दु, द ग्लासमैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेटरस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जॉर्जेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनकी पाइनोन यूसुफ के रूप में निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी पैगवे पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में आरबे के केसिलियर ने किरदार निभाया लुशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनिचो ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया के रूप में क्लोर्ड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल चौध फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डीडीटीवी टिप्पणी में जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मोह मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुबंध उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी, थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टू रिव्यूज एमेली जिसे लेप, मेली, पोलेन के नाम से भी जाना जाता है एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी शामिल है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेर मैरियल मैरियर है क्लोडीने क्लोडिमोलेट है इसाबेल बेल है हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगोइन है योलान्डे मोरो है, आर्बेन कैसीियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउड लॉरेंस कहानी ग्लाउज लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टेयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजूशी है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम इंडिपेंडेंट है जो डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफीनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक मिलियन डॉलर का और उसने एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक कम की कमाई की अमिली को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोपल फिल्म द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथन अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वे एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता राफेस राफेल समाज समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली मेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टॉप के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की से अपना हाथ डुबाकर चंपच से बेकरीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती है इकतीस अगस्त उन्नीस सौ को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल कोट हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकांत प्रिय पड़ोसी दुफा, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हड्डी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर रे की उन्नीस सौ इक्यासी की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और ब्रेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंज बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एमिली खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एमिली गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चोरा दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलन करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटों के ब्लॉक की दरार मेड्रिल का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र बेचता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोली कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन लु, को गाली दे, नहीं देता और खुशी से लेबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया फाइल्स एमेली को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेना पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मो लेंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमेली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंग... अंत दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एम खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलेन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोज नीनो क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे डसोर लियर ने किरदार निभाया रूफस के, के रूप में एमिली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मार्लिन ने रेमंड दु, दुफाइल द ग्लास मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलिन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेट्रस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने निभाया, ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार दिया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी ने पैगवे ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लूशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेडोडो के रूप में मोरिस बेनीचोने के किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और इवा के रूप में क्लोड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमेन एयर होस्टेज के रूप में आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वाटसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनु उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टर रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डस्टिन डी मेली पोलैन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाओ में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमिल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडीटेड्स क्लोडिडेमोलेट है टी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पे गुलाइन है योला, मोरो हैं है कैसिलियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउट लॉरेंस कहानी ग्लाउज लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पाद किया चीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी यु। है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एमएमसी एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो से डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी सोफीनरजी फाइव फिल्मिंग स्टॉन्ग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूटसन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वारले द्वारा जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट 10 मिलियन डॉलर का और इसने वो 174.2 मिलियन तक की कमाई की है। अमेली को जूसी के साथ यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में और जर्मनी में 16 अगस्त 2001 को प्रोफे प्रोकिनोपल फिल्म प्रो द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पाँच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा लाया गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरी ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर, कर उस पर गिर पड़ा गति उसके पिता राफेस राफेल समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिसंस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और वह अफवाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों के अपना हाथ डुबा कर चम्पच से बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर अमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एम अपने एकांत प्रिय पड़ोसी दुफाल, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की 1981 की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और बेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एम खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एम गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आस पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक द, अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू रु करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र भेजता है वह वे व्यावहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंग कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे नहीं देता और खुशी से लेबरेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दयादाइल्स एम एल को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एम नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मोलिंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एम घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एम की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमिली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंतदृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमेली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे अब उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलिन पोलेन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोवित नीनो के किविंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे डसोलियर ने किरदार निभाया रूफस के रूप में एमेली के पिता राफेल पोलेन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मालिन ने रेमंडल द मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेटर्स के रूप में किरदार निभाया, सुजेन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी पैगवेने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में आर्बिक केसिलियर ने किरदार निभाया लुशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनिचो ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया रिवा के रूप में क्लोर्ड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल चौध फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी टिप्पणी में चीन में चीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मोह मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैगो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुबंध उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, तो में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टो रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डेस्टिन डी मेली पोलेन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक, एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जिनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक क्षण की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी शामिल है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मेरियर है क्लोडी क्लोडिडेमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगोइन है योला, योलंडे मोरो है आर्बेन कैसी लियर है और मैरिस बेनीचर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउड लॉरेंस कहानी गिलाउज लॉरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पाद किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजशी है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो डी मेजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी एनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक दस मिलियन डॉलर का और उसने एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक की कमाई की है को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोफल फिल्म द्वारा के रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली मिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सही चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथनक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वे एक आत्मघाती करना कनाड़ाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता राफेस, राफेल समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोग के संग्रह द्वारा स्टॉक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर चम्पच से बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती है इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल कोट हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकां, एकांत प्रिय पड़ोसी दुफा, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हड्डी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की उन्नीस सौ इक्यासी की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और बेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एमिली खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एमिली गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास पास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वे एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुरा दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राजी करती है और एक प्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपोकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का वालेस की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्वस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता पत्र बेचता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोली कोलिंगन अब अपने नंबर लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे, नहीं देता और खुशी से लैब्रेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दया फाइल्स एमेली को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली एल नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है और दो मो लेंस में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एम घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एम की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एम को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अग... अंत दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमेली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलेन के रूप में ऑड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू कासोवितनो के क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया दान नरेटर के रूप में आंद्रे लियर ने किरदार निभाया रूफस के, के रूप में एमिली के पिता राफेल पोलिन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मार्लिन ने रेमंड दु, दु, दुफाइल द ग्लास मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलिन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेट्रस के रूप में किरदार निभाया सुजेन के रूप में क्लेयर मेयर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जोजेट के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी ने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसीलियर ने किरदार निभाया लूशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेड ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनीचोने के दाने के ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया और रोइवा के रूप में क्लोड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल चौधियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी ची में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वाटसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुबंध उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टो रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुल्स डेस्टिन डी मेली पोलिन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लॉरेंट के साथ जीवन जीनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक शन की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओडरे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाओं में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी है में शामिल में थ्यू है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है रूफस है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड क्लोडीडेमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पे हैं योला योलान्डे मोरो है आर्बेन कैसिलियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा गिलाउट लॉरेंस कहानी ग्लाउड लॉरेंस जीन प्यारे जिनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित हार्वेसराइड है संगीत है यान टीयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजुशी यु। है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एमएमसी एम सी इंडिपेंडेंट है जो से डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का सोफी एनर्जी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यूजीसी फॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वार द्वारा जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज़ किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज़ किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट दस मिलियन डॉलर का और फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हजार एक को प्रोकनो प्रो फिल्म द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमोटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पाँच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा लाया गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरी ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिरकर उस पर गिर पड़ा। नतीजा उसके पिता राफेल राफेल समाज समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे अमेरिकी ठारे साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक डेस टू मेलिसेंस में वेटर्स बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टोक के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर कर से बेक्रीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती छत्तीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर अमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टो पर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एम अपने एकांत प्रिय पड़ोसी दुफ, दुफाल येल से मिलती है जो भंगुर हुडी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की 1981 की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और गुप्त रूप से उसे बॉक्स बॉक्स देती है खोज और इससे जुड़ी यादों से आंसू बह निकलते हैं और ब्रेट्रोडो ने अपनी अलग हो चुकी बेटी और उस पोते के साथ सामंजस्य बिठाने का संकल्प दिया जिससे जिससे वह कभी नहीं मिले एम खुशी खुशी अपने नए मिशन पर निकल जाती है और एम गुप्त रूप से जटिल योजनाओं को क्रियान्वित करती है और उसे आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वह एक द, अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और जबकि उसे सड़क के उन दृश्यों का भरपूर विवरण देती है जिन जिनसे वह गुजरता है वह अपने पिता और अपने बगीचे के गमोन को चुराकर दुनिया के सैर करने का करने के लिए अपने सामने का पलान पलान करने के लिए राज़ी करती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट मित्र को दुनिया भर के स्थलों पर के साथ उसकी तस्वीरें मेल करती है वह अपने हाइपकोरडियल्स सहकर्मी जॉर्जेंट और के, कैफे के संरक्षक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करती है और वह अपने फ्लेटो के ब्लॉक की दरार मेड्रिन का की आश्वस्त करती है और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने वर्षों पहले उसकी आस्तिक मृत्यु से ठीक पहले उसे एक अंतिम समझौता प्रेम पत्र भेजता है वह वे व्यवहारिक चुटकुले खेलती है कोलीगोन पर बुरा सब्जी बेचने वाला जो मानसिक रूप से थक चुका है और कोलिंग कोलिंगन अब अपने नम्र लेकिन अच्छे स्वभाव वाले सहायक लुसियन को गाली दे नहीं देता और खुशी से लैब्रेज लुसियन ग्रेसरी स्टेज की कामना कमान संभालती है मिस्टर दयादाइल्स एम एल को देखते हुए उसके साथ अपनी पेंटिंग के बारे में बातचीत शुरू करते हैं हालांकि उन्होंने एक ही रेनावर पेंटिंग की बीस बार नकल की और लेकिन उन्होंने कभी भी एक गिलास पानी पीती लड़की के लुक को कैप्चर नहीं किया अपने कीमती एल्बम को गुमनाम रूप से लौटाने से पहले एमेली नीली नीनो के साथ पेरिस के आसपास चूहे बिल्ली का खेल खेलती है दो मोल में से एक बैठक की व्यवस्था करने के बाद एमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान को इनकार करने की कोशिश करती है उसकी सहकर्मी जीना जो एमेली की भलाई के लिए चिंतित है उसके लिए नीनो को स्क्रीनिंग करती है इस बारे में जोसेफ की टिप्पणी से एमिली को यह विश्वास होता है कि उसने नीनो को जीना जीना से खो दिया उसे नीनो का पीछा करने का रहस्य देने के लिए डुफाइल की अंतदृष्टि की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक रोमांटिक रात एक साथ होती है और एक रिश्ते की शुरुआत होती है फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि एमिली खुशी के पल पर अनुभव करती है जिसे उसने अपने लिए पाया था फिल्म के ढालना में देखा गया एमेली पोलिन के रूप में ओड्रे टोटो ने किरदार निभाया मैथ्यू नीनो के क्विंटन कपोइ्स के रूप में किरदार निभाया द नरेटर के रूप में आंद्रे डसोलियर ने किरदार निभाया निभायाुफस के रूप में एमेली के पिता राफेल पोलेन के रूप में किरदार निभाया और सर्ज मालिन ने रेमंडल द मैन के रूप में किरदार निभाया लोरेला क्रावोटा अमेंडाइन पोलेन के रूप में किरदार निभाया जीना के रूप में क्लोडिटे मोलेट ने एक साथी वेटरस के रूप में किरदार निभाया सुजीन के रूप में क्लेयर मियर ने किरदार निभाया ईसा बेल नोटिन ने जॉर्ज के रूप में किरदार निभाया डोमिनिकी पाइनोन यूसुफ के रूप में किरदार निभाया लेखक हिपोलिटो के रूप में आर्टर्स डी पैगेने पैगवेन ने किरदार निभाया मेडेलिन वालिस के रूप में योलान्डे मोरो ने किरदार निभाया कोलिंगन पोसारी के रूप में के केसिलियर ने किरदार निभाया लुशियन के रूप में जेमल देबोज ने किरदार निभाया डोमिनिकी ब्रेटोडो के रूप में मोरिस बेनिचो ने किरदार निभाया मिस्टर कोलिंगन के रूप में मिसेल लोबिन ने किरदार निभाया श्रीमती कोलिंगन के रूप में एंड्री दमंत ने किरदार निभाया रोइवा के रूप में क्लोर्ड पेरोन ने किरदार निभाया और फिलोमैन एयर होस्टेज के रूप में और आर्मेल ने किरदार निभाया एक तस्वीर के में मैन के रूप में टिकी होल्ड गागो ने किरदार निभाया कोमा की महिला के रूप में फेवियल फेबियन चौदत्त ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि अपनी डी डी टी वी टिप्पणी में जी में जीनत बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी अभिनेत्री एमिली वसन के लिए एमिली की भूमिका लिखी और इससे पहले मोह मसौदे में एमिली के पिता लंदन में रहने वाले एक अंग्रेज थे हालांकि वॉटसन की फ्रेंच भाषा मजबूत थी एक बार वैग्यो स्पोर्ट्स पार्क 2001 में फिल्मांकन के साथ संघर्ष के कारण फिल्म की शूटिंग के लिए अनुबंध उपलब्ध हो गई तो जीनत के एक फ्रांसीसी अभिनेत्री के लिए पटकथा में फिर लिखा सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में फिल्म विनस ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स पोरेट पर उन्होंने देखने के बाद आंड्रे टोटोव तो, तो, तो में पहली अभिनेत्री थी जिनका उन्होंने ऑडिशन दिया एमेली मूवी के फैक्टोर रिव्यूज एमेली जिसे ले फेबुलेक्स डेस्टिनी डी मेली पोलन के नाम से भी जाना जाता है ये एक फ्रेंच उपकरण है अंग्रेजी द फेस द फेबुलस डेस्टिनी ऑफ एमेली पोलेन जीन प्यारे द्वारा निर्देशित 2001 की एक, एक फ्रेंच भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जीनत गिलोम लोरेंट के साथ जीवन जिनत द्वारा लिखित फिल्म समय समकालीन पेरिश के जीवन पर एक शन की चित्रण है जो मोड मार्टे से स्थापित यह एक शर्मिली वेट्रेस की कहानी बताती है जो ओड्रे टेटो द्वारा निभाई गई है जो अपने अलगाव में से निपटने के दौरान अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिकाओं में कलाकारों की टुकड़ी शामिल है जिनमें शामिल मैथ्यू कासोविजिस है, है लोरे लोरेला क्रावोटा है सर्ज मार्लिन है जेमेल डेबोज है क्लेयर मैरियल मैरियर है क्लोडिटेड क्लोडिडेमोलेट है इसाबेल बेल टेंटी हैं और डोमिनिकी पिनोन है आर्ट्स डी पेगन है योलान्डे मोरो है आर्बेन कैसीियर है और मैरिस बेनी दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म के निर्देशक जीन प्यारे जीनत पटकथा ग्लाउड लोरेंस कहानी ग्लाउज लोरेंस जीन प्यारे जीनत उत्पादित किया जीन मार्क डेस चैम्पस ने और क्लाउडी ओवर्स ने वर्णन करता है आंद्रेड डिसोलियर है छायांकर ब्रूनो डेल वोनेल है संपादित राइड है संगीत है यान टेयरसन के उत्पादन कंपनी क्लाउडी क्लाउडी ओसार्ड्स प्रोडक्शन यूजशी है विजय प्रोडक्शन द्वारा टेपिकोआ फिल्म द्वारा और फ्रांस थ्री सिनेमा द्वारा एम एम सी डी पी इंडिपेंडेंट है जो डी मैजिक मीडिया कंपनी द्वारा दिया गया और सोफी का एनर्जी सोफी फाइव फिल्मिंग स्टोंग नहर द्वारा गए वितरित किया गया यू फॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटन द्वारा फ्रांस में और प्रोकिनो फिल्म वारले द्वारा जर्मनी में रिलीज की तारीख 25 अप्रैल 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया 16 अगस्त 2001 को जर्मनी में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक मिनट का देश फ्रांस और जर्मनी भाषा फ्रेंच फिल्म का बजट एक मिलियन डॉलर का और उसने एक सौ चौहत्तर पॉइंट दो मिलियन तक की कमाई की अमिली को जूसी के साथ यू जी सी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पच्चीस अप्रैल दो हज़ार एक को फ्रांस में और जर्मनी में सोलह अगस्त दो हज़ार एक को प्रोफे प्रोकिनोपल फिल्म द्वारा के रूप में रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन और लेखन के लिए प्रमुख प्रशासन के साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली एमिली ने यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित चार सीजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित दो बेटे से अकादमी पुरस्कार जीते और इसे सर्वश्रेष्ठ अभी विदेशी भाषा फिल्म संचित पांच अकादमी पुरस्कार के नाम से नामांकित किया गया यह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रही है कथानंक अमेली पोलेन का जन्म जून उन्नीस में हुआ था उनकी माता पिता द्वारा ला गया था गलत तरीके से विश्वास करते हुए उसके दिल का दोस्त है उसे होम स्कूल करने का फैसला करे और अपने अकेलेपन को निपटाने के लिए अमेली एक सक्रिय कल्पना और शरारती व्यक्तित्व विकसित करती है जब अमेली छः साल की थी तो उसकी माँ अमेडाइन की मौत हो गई और वह एक आत्मघाती करना कनाडाई पर्यटक नोटरे ड्रेम से ड्रेम डे प्रेरिस की छत से कूद गई और उस गिर कर उस पर गिर पड़ा उसके पिता राफेस राफेल समाज, समाज से अधिक से अधिक वापस ले लेते थे और मेली अठारह साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मोट मार्ट्रे के फेक ड्रेस टू मेलिस में वेट्रेस बन जाती है और उनकी लोगों के संग्रह द्वारा स्टॉप के स्टाफ के बार बार आता और वह अववाहित है और अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से घूमने देते देने में अंजाम अनाज की बोरियों से अपना हाथ डुबाकर चम्पच से बेकरीम बोली को फोड़ना और नहर सेट मार्टिन के साथ पत्थरों को छोड़ना जैसे साधारण सुखों से संतोष पाती है इकतीस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे को डायना वेल्स की राजकुमारी की मृत्यु की खबर और से चौंक कर एमेली एक प्लास्टिक परफ्यूम स्टॉपर गिराती है जो एक दीवार टाइल को हटा देती है और गलती से यह पुराने धातु के बक्से को प्रकट करती है जिसमें एक लड़के द्वारा छिपाई गई बचपन की यादें होती है जो अंदर रहता है उसका अपार्टमेंट दर्शकों पहले अमेली लड़के का पता लगाने में उसे बॉक्स वापस करने का संकल्प कर लेती है और खुद को वादा करती है कि अगर इससे कोई उसे खुशी मिलती है तो वह दूसरों को खुशी देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगी लड़के की पहचान के बारे में अपार्टमेंट के दो दरबार में कई पुराने किराएदारों से पूछने के बाद एमेली अपने एकां, एकांत प्रिय पड़ोसी रेमंड दुफ, येल से मिलती है जो भंगुर हड्डी की बीमारी से पीड़ित एक कलाकार है जो हर साल पियरे एगेस्टे रेनोयर की उन्नीस की पेंटिंग लिचिलियन ऑफ द बोटिंग पार्टी में निकल जाता है और वह लड़के का नाम बेट्रोडो के एक रूप में याद करता है एमेली उस आदमी डेमिनी की बेट्रोडो को ढूंढती है और